श्री राधा कृष्ण साधना केंद्र, जो कि गीता वाटिका के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि असुरन चौक से पिपराइज वाले रोड पर, असुरन चौक से करीब 1-2 किलोमीटर रोड पे ही राइट साइड में आपको इसका गेट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री पार्किंग मिलेगी और यहाँ पे आने के लिए आपको करीब धर्मशाला से 3 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पड़ेगा और गोरखनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर पड़ेगा। आपको आसानी से हर जगह से ऑटो मिल जाएगा 10 से 20 रुपया पर पर्सन के हिसाब से। इस वक्त गीता वाटिका को अच्छा खासा बजट मिला है सुंदरीकरण के लिए, जो कि सारा वर्क प्रोसेस में है। यहाँ पे आपको अंदर आते ही पता चल जाएगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धर्मशाला बन रहे हैं, रूम बन रहे हैं। तो रोड वाले गेट से सीधे ही 100 मीटर आप अगर आगे चल के आएंगे तो आपको मंदिर का मेन गेट मिल जाएगा। तो हम लोग अब ऊपर चलते हैं। ये रहा मंदिर का मेन गेट और इस मंदिर को जन्माष्टमी के लिए अच्छा खासा बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, बजट भी मिला है। तो जन्माष्टमी के समय मज़ा आएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के समय यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। सीढ़ी के बगल में ही आप जूता चप्पल अपने रिक्शा पर उतार सकते हैं। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। और सच में मंदिर के अंदर जो सुकून, जो शांति महसूस हुआ, सच में काबिले तारीफ है। यहाँ पे खूबसूरत मूर्ति, चारों तरफ आपको सारे भगवान की मूर्ति आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बात तो है, मंदिर की धरोहर को अगर कोई सजो के रख सकता है तो वह है हमारे पंडित लोग। मूर्ति के पीछे भी लोग जा रहे हैं, तो चलिए मैं भी चलता हूँ। तो ये मूर्ति के पीछे जो मेन मूर्ति है उसके पीछे का दृश्य है। और यहाँ पे भी सभी पारंपरिक मूर्तियाँ और कथा, वेद, पुराण, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी मंदिर के निर्माता हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे रखी गई है। ये छोटा सा दरवाज़ा, बाहर जा सकते हैं। और ये मैं घूम फिर के फिर उसी हॉल में आ गया फ्रंट पे ही। तो आप मेन मूर्ति के पीछे भी आप एक परिक्रमा लगा सकते हैं। चलिए, तो ये तो रहा मेन मंदिर का हॉल। अब हम लोग जो है मेन जो गीता वाटिका जिस नाम से फेमस है उस वाटिका में चलते हैं। और वो वाटिका इस मंदिर के पीछे है, जो मेन मंदिर है उसके पीछे है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। तो आप सीधे रोड वाले गेट से आएंगे, आपको मेन मंदिर पड़ेगा और मेन मंदिर के लेफ्ट साइड से आप जाएंगे तो आपको जो है पीछे बगीचे पड़ेंगे। लेकिन बगीचे से पहले आपको जो है कीर्थन धाम यात्रा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जन्माष्टमी के समय ये अच्छा खासा डेकोरेशन किया जाता है, बहुत ही प्यारा दृश्य लगता है। और ये कुछ इस तरीके का हॉल है और ये सारा हॉल जो है भर जाता है जन्माष्टमी के समय, फेस्टिवल के समय। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कीर्तन भजन होता रहता है, तो यहाँ पर भी होगा ही। चलिए देखते हैं कहाँ पे, किस जगह पे होता है, क्योंकि कीर्तन भजन के लिए यह गीता वाटिका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो शाम के समय अपना समय और भक्ति में लीन होने के लिए यहाँ पर आते हैं। और देखिए, मुझे मिल भी गया। यहाँ पर भी एक मंदिर है जिस मंदिर के आगे जो है अच्छा खासा कीर्तन हो रहा है। तो चलिए मैं भी हाथ एक बार जोड़ लेता हूँ। तो अगर आपको मेन मंदिर नहीं जाना है, कोई डायरेक्ट सिर्फ भजन ही कीर्तन सुनना है, तो आप इसके दूसरे वाले गेट पे आ सकते हैं, जो कि वो भी रोड से ही है। और डायरेक्ट आप आ करके यहाँ पे कीर्तन सुन सकते हैं अच्छे से। अब फिर बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप यहाँ पर आ कर भक्ति में लीन हो सकते हैं दूसरे रास्ते से। ये रास्ता जन्माष्टमी के समय खोल दिया जाता है, क्योंकि हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो एक तरफ से आना और दूसरे तरफ से जाना हो जाता है। तो हम लोग ये सब भी हम लोग घूम चुके हैं। और ये इस मंदिर के पीछे ये बगीचा, ये वाटिका, आप चाहें तो उधर भी जा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। लोग बहुत ही बुज़ुर्ग लोग जो है जॉगिंग करने जाते हैं, टहलने जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप पीछे वाटिका भी घूम सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है सारा चीज़ घूमा वाटिका छोड़ करके, अब हम लोग वहीं जा रहे हैं मेन मंदिर के पास, क्योंकि मेन मंदिर के राइट साइड में आपको जो है एक जगह मिलेगी जहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा जो है श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की जो झांकियाँ होती हैं वो सारी बनाई जाती हैं ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल, मतलब कई तरीके के फीचर्स के साथ आपको इसमें झांकियाँ मिलती हैं, जो कि मंदिर के राइट साइड में ही आपको पड़ेगा इसके अंदर। ये मेन गेट है और मेन गेट के जो है सामने ये मंदिर है और उसी के बीच में जो है ये आपको जो है कीर्तन हाउस मिलेगा।
चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आपको 12 घंटा आपको कीर्तन और कथा चलता मिलेगा हमेशा। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छी खासी झांकियाँ बनाई जाती हैं भगवान श्री कृष्ण की। और रिमोट कंट्रोल लाइट वाली, मतलब कई तरीके की आपको यहाँ पे झांकियाँ देखने के लिए मिलेंगी अगर आप जन्माष्टमी के समय आते हैं तो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा डेकोरेशन किया जाता है जन्माष्टमी के समय। तो अभी तो हम लोग जो है जून में गए थे और जून में कोई फेस्टिवल नहीं पड़ता है, ऑफ सीजन है, तो इसलिए हर चीज़ खाली है। और अभी हर चीज़ विकसित किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि सितंबर तक जन्माष्टमी आते आते तक कंप्लीट हो जाए, जिससे बहुत ही अच्छा खासा जो है जन्माष्टमी का समारोह हो सके। तो ये रहा जन्माष्टमी से पहले छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।